मॉडल टाउन वालों मुझे ये बताओ कि आपने कहीं दिल्ली का नंबर एक देखा है क्या? केजरीवाल जी का नंबर एक देखा है क्या? ऐसे नहीं यार, जोर से बोलो देखा है क्या? ठंड है मगर जोर से बोलो देखा है? कभी भी केजरीवाल किसी भी बात में नंबर वन आए है क्या? अरे अन्याय मत करो बेचारे के साथ। एक बात में नंबर वन है उसका, किस चीज में? जोर से बोले किस चीज में? किस चीज में? अगर झूठ बोलने की स्पर्धा हो जाए तो आजीवन परमानेंट नंबर वन श्री केजरीवाल को मिल जाए। मैंने ही मेरे जीवन में झूठे वादों पर चलती हुई ऐसी सरकार नहीं देखी। 5 साल पहले उन्होंने वादे किए थे, अपना घोषणा पत्र दिया था। आप पार्टी की वेबसाइट खोल कर देखिए, घोषणा पत्र गायब है, आपको दिखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट देने के पहले दिल्ली वाले घोषणा पत्रों में क्या हुआ वो देखेंगे। और ये तो ऐसा एरिया है जहां पाई पाई का हिसाब करने वाले रहते हैं, ठीक है ना भाई? ठीक है ना? तो वो तो हिसाब किताब कर कर वोट देंगे। तो उन्होंने घोषणा पत्र को ही लगे हाथों निकाल दिया। कोई बात नहीं केजरीवाल जी, आप निकालो, मगर हम याद कराने आ गए हैं कि कितने झूठे वादे आपने किए थे। एक और राहुल बाबा और केजरीवाल है जो कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग। मैं पूछना है मॉडल टाउन वालों को, यू आर विद शाहीन बाग? जोर से बोलो यू आर विद शाहीन बाग? यू आर विद शाहीन बाग? तो एक और तो है जो कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग, और एक और मोदी जी है जो देश के अंदर आतंकवादी घुसते हैं तो पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर आतंकवादियों के सीने छलनी करकर भारत के जवान। एक और शाहीन बाग का समर्थन करने वाले हैं और दूसरी ओर भारत माता की रक्षा के लिए जो कटु निर्णय करना पड़े वो निर्णय करकर भारत माता की सुरक्षा को अखंड करने वाले नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मोदी जी ने विकास तो बहुत किया है, दिल्ली का भी करेंगे जब आप अधिकार देंगे, परंतु विकास के साथ साथ मोदी जी दिल्ली और देश को सुरक्षित भी करने का काम करेंगे, सुरक्षित भी करने का काम करेंगे।